भारतीय क्रिकेट टीम को जल्दी ही नया चीफ सेलेक्टर मिलने वाला है। बीसीसीआई के पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के पद छोड़ने के बाद से उनकी जगह अब तक खाली है। हाल में बीसीसीआई ने जॉब एप्लीकेशन निकाली थी और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 30 जून रखी थी। इस वक्त चेतन शर्मा की जगह मुख्य चयनकर्ता की रेस में पूर्व इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर सबसे आगे चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई अजीत अगरकर को अगला मुख्य चयनकर्ता बनाने पर विचार कर रहा है। अजीत अगरकर पहले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन तब उनका चयन नहीं हुआ था। हालांकि नियमों के अनुसार पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा नॉर्थ जोन से आते थे, तो अगले मुख्य चयनकर्ता को भी नॉर्थ जोन से ही होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ जोन से अभी तक कोई बड़ा नाम बीसीसीआई के पास नहीं। ऐसे में बीसीसीआई नियमों को ताक पर रखकर वेस्ट जोन से आने वाले पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर को टीम इंडिया का अगला मुख्य चयनकर्ता बना सकती है। जबकि फैंस नॉर्थ जोन से क्रिकेटरों जैसे गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और हरभजन सिंह में किसी एक को टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और युवराज सिंह को संन्यास लिए अभी 5 साल नहीं हुए, जबकि सहवाग को संन्यास लिए 5 साल हो गए हैं, लेकिन वीरू ने टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता पद के लिए अब तक अप्लाई नहीं किया है। ऐसे में काफी हद तक चांस है कि वेस्ट जोन के अजीत अगरकर को टीम इंडिया का अगला चीफ सेलेक्टर बनाया जा सकता है। 45 साल के अगरकर ने भारत के लिए कुल 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 T20 मैच खेले हैं। अगरकर IPL में दिल्ली कैपिटल्स के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर भी जुड़े हैं। चीफ सेलेक्टर के अलावा BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट के हेड कोच के लिए कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें जॉन लिविस, अमोल मजूमदार और तुषार अरोठे रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।